तो नहीं सर, सच्चाई है। यहां जितने भी हिंदू परिवार थे सब पलायन कर गए। और आपको एक सच्चाई और बता रहा हूं, आजादी के बाद इस इलाके में 90% हिंदू थे, और अब एक ही परिवार बचा था और वो भी गायब है। फुल प्लानिंग के साथ मर्डर हुआ लगता है सर। हमारे शहर के सबसे सीनियर पत्रकार जो एक्चुअल में पत्रकारिता करते हैं, कुछ लोगों को कुछ तो जरूर पता है, मगर बताओ कोई कुछ नहीं रहा है। इस परिवार के सारे लोग तभी से गायब हैं जब से वो लाश मिली। हमारी ताकत है कौमी एकता, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी कौम के लिए काम करें। जब ऐसे लोग पावर में आते हैं ना, फिर जो ये चाहते हैं वही करते हैं। आप देख लेना, हमें नहीं रहने देंगे यहाँ। पर यहाँ से अगर चले गए तो घर और दुकान दोनों पर कब्जा हो जाएगा। सबको पता है कि वहाँ चल क्या रहा है, बस कोई कुछ बता नहीं रहा है। ऐसा या तो किसी के दबाव में होता है या फिर किसी के प्रभाव में। सब खत्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नरक में रह रहे हैं हम। सदर कॉलोनी में जो मंदिर है वहाँ पे एक लाश मिली है। तेरा हिसाब किताब तो मैं करूंगा। अब कुछ नहीं हो सकता, बदरुद्दीन ने हमें फंसा दिया। अरे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हर एक जवान लड़का आज गुस्से में। जहाँ भी अल्पसंख्यक ज्यादा हो जाते हैं बहुसंख्यकों को बैकआउट करने लगते हैं, और फिर शुरू होता है ये लड़ाई झगड़ा वगैरह। जंगल में इंसानी खोपड़ी जली भी मिली है। गलत को गलत नहीं कहोगे ना तो जो ना समझ है ना उनके लिए वही सही हो जाएगा। अब तो ऐसा लगने लगा कि लोग दुश्मन बन गए हमारे। एक धर्म का आदमी जब दूसरे धर्म के आदमी को मारता है तो मरता तो इंसान ही है ना।